नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल 23 सितंबर 2020 अराउंड 12:08 पर राहु और केतु जो है अपनी राशि परिवर्तन किए। राहु जो है वो मिथुन राशि से वृषभ राशि में, जेमिनाइन टू टॉरस में, और केतु जो है सेजिटेरियस से स्कॉर्पियो में जो है वो आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ राहु और केतु जो है 1.5 वर्ष तक रहेंगे। वो कब तक रहेंगे? 12 अप्रैल 2022 14:47 तक वो अब वृषभ राशि में रहेंगे 12 अप्रैल 2022। तो ये दोस्तों राहु केतु का मेजर प्लानेटरी पोजीशन चेंज हुआ है। इसका जो है राशि के ऊपर क्या फल होगा उसका हम वीडियो जो है बाद में आप सबके लिए बनाएंगे कि शेयर मार्केट में उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, आपकी राशि से उसका क्या फल मिलेगा। आज दोस्तों मैं ये राहु केतु जो कल चेंज हुए हैं इसका मैं जो है फलादेश ऑल ओवर ग्लोबल और अमेरिका मार्केट में जो है नैस्डैक की क्या पोजीशन होगी। दोस्तों राहु केतु जब राशि चेंज करते हैं तो वो जो है राहु केतु रिवर्स चलते हैं, 30 डिग्री 29 डिग्री 28 डिग्री 27 डिग्री फिर 26 डिग्री, ऐसा वो रिवर्स चलते हैं। तो दोस्तों जो है कल से जो है यानी कि 23 सितंबर 2020 12:08 से आने वाले समय में जो ओवरऑल, अभी तो ये प्लानेटरी पोजीशन 1.5 वर्ष तक है लेकिन ओवरऑल जो है अभी जो है दिसंबर या ओवरऑल जनवरी 2021 तक जो है नैस्डैक जो भी अभी हाई बना लिया है, नैस्डैक का ट्रेंड जो है वो अब डाउन में रहेगा। अमेरिका मार्केट में, यूएसए में जो नैस्डैक है, नैस्डैक का ट्रेंड जो है वो अब डाउन में रहेगा। दूसरा दोस्तों जो है आने वाले समय में जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है जो है उसका भी ट्रेंड जो है वो अभी डाउन में रहेगा। आईटी सेक्टर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है और उसमें यदि आपको जो है कहीं भी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अभी एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है आईटी सेक्टर में एक डाउन ट्रेंड जो है वो बनने वाला है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में जो है वो डाउन ट्रेंड बनेगा। नैस्डैक जो है, नैस्डैक में जो है ऐसा मेरी जानकारी में है कि नैस्डैक में मैक्सिमम जो है आईटी कंपनियां जो है उसमें लिस्टेड है, तो नैस्डैक का जो है ट्रेंड जो है वो भी डाउन में जो है वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, मीडिया और इंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है दोस्तों उसमें भी जो है कुछ न कुछ जो है ट्रेंड जो है वो भी डाउन में रहने का योग जो है वो बन रहा है। यदि आपको जो है अभी कहीं भी जो है कुछ भी जो है ये सेक्टर में जो है प्रॉफिट मिल रहा है तो आप जो है एक बार इसमें से निकल सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग व्यू है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं जो रिसर्च बेस हैं, फार्मास्यूटिकल में जो दवा बनाती हैं वो तो ठीक है लेकिन जो रिसर्च बेस करती हैं, जो रिसर्च करके जो दवा बनाती है, यानी फार्मा की रिसर्च कंपनी, एक तो फार्मा की कंपनी होगी जो दवा बनाएगी वो तो जो है ठीक है उसका नहीं, जो फार्मा की जो रिसर्च बेस कंपनी है उसमें भी यदि जो है कोई कंपनी शेयर मार्केट में या ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में वो जो है लिस्टेड है तो इसमें भी यदि आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से भी आप एक बार जो है आप निकल सकते हैं।
यानी कि दोस्तों जो मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर है, मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर उसमें जो है आने वाले समय में जो है एक मंदी रहने का योग बन रहा है। दूसरा जो है आईटी सेक्टर जो है आईटी सेक्टर में भी एक मंदी होने का योग बन रहा है। तीसरा दोस्तों जो है कुछ हद तक टेलीकम्युनिकेशन में भी जो है कुछ न कुछ उसमें भी जो है एक प्रेशर जो है बनने का योग जो है वो बन रहा है। वो दोस्तों राहु केतु यहाँ पर जो है वो 1.5 वर्ष तक हैं, लेकिन अभी ये जो मेरा प्रेडिक्शन है जो है ये जनवरी 2021 तक का है जो है दोस्तों, इसमें जो है एक प्रेशर जो है वो बनेगा। बाकी नैसडैक दोस्तों, नैसडैक का जो मेरा ये प्रेडिक्शन है ये पूरा जो है आने वाला 1.5 साल तक का नैसडैक का प्रेडिक्शन है जो है कि नैसडैक में जो है आने वाले समय में जो है बहुत बड़ी तेजी का योग जो है वो नहीं बन रहा है। दूसरा दोस्तों फार्मास्यूटिकल की जो रिसर्च बेस कंपनी है वो रिसर्च बेस कंपनी में जो है उसका प्रेडिक्शन जो है जनवरी 2021 तक का है। फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च बेस जो कंपनी है सिर्फ वो रिसर्च करती हैं, दवा नहीं बनाती है। वो रिसर्च करके जो है उसका रिजल्ट यदि पॉजिटिव आया तो वो फिर दूसरे कंपनियों को बोलती हैं वो दवा बनाती हैं। ऐसा कोई कंपनी हो जो है तो उसमें से भी आप अभी जनवरी 2021 तक जो है आप एक बार जो है आप निकल सकते हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों कल से जो है 23 सितंबर 2020 से लेकर जो ये 1.5 साल का राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है इसमें दोस्तों मेन जो है जनवरी 2021 तक जो है यदि आपको आईटी सेक्टर में कहीं भी प्रॉफिट मिलता है तो आप उसमें एक बार निकल सकते हैं। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा अक्टूबर लास्ट नवंबर में कहीं कुछ आईटी में बाउंस बैक मिल सकता है यदि आपका अभी बढ़ा नहीं हुआ है जो आपने आईटी सेक्टर में शेयर लिया है, तो बीच में 10-5 दिन के लिए कोई तेजी जो है वो आ सकती है। तो उसमें जब आपको जो है मौका मिल जाए अक्टूबर लास्ट नवंबर में या नवंबर में जो भी है आपको कहीं भी एक बार मौका मिल जाए तो आप उसमें से एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जो है नैसडैक में, और जब नैसडैक जो है डाउन ट्रेंड रहेगा तो उसका इम्पैक्ट जो मुझे लगता है कि ऑल ओवर ग्लोबल में जो है नैसडैक आईटी इंडेक्स आईटी का ऑल ओवर ग्लोबल कहीं भी जो है आईटी सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं और भी एशिया मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, जहां भी जो है ये आईटी इंडेक्स है जो है, और इसमें जो है दोस्तों आप जो है एक बार जनवरी मेन तो जनवरी है जनवरी 2021, यानी कि कल से लेकर जनवरी 2021 तक आईटी सेक्टर से, नैसडैक सेक्टर से, ऑल ओवर ग्लोबल आईटी इंडेक्स से एक बार यदि आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग व्यू है तो फिर कोई बात नहीं है, तो फिर आपको जो है जब भी डाउन ट्रेंड मिले तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके चलिए जो है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ऑल ओवर ग्लोबल आईटी इंडेक्स जो है, ऑल ओवर ग्लोबल आईटी इंडेक्स में जो है आने वाले 1.5 साल में जो है अभी कोई जो है बड़ी तेजी अब नहीं है जहाँ तक जो है मुझे लगता है। तो ये दोस्तों जो है मैं कोई भी टेक्निकल टूल फॉलो नहीं करता हूँ, ये प्योर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिष से जो है ये प्रेडिक्शन किया जाता है। और ज्योतिष से जो भी मेरा प्रेडिक्शन है आप यूट्यूब चैनल पर जो है प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो यदि आपको फॉलो करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय में जैसा मैंने आपको बताया 23 सितंबर 2020 12 अप्रैल 2022 टाइम 1447 अराउंड 1.5 ईयर्स नैसडैक ट्रेंड डाउन ट्रेंड आईटी इंडेक्स ऑल ओवर ग्लोबल आईटी इंडेक्स एंड आईटी कंपनी ऑल ओवर ग्लोबल मे बी आर माइट बी डाउन ट्रेंड इफ
यू हैव प्रॉफिट, इफ यू हैव प्रॉफिट देन एग्जिट, अदरवाइज इफ यू हैव योर लॉन्ग पोजिशन एंड लॉन्ग टर्म देन यू स्टे देयर, बट माई व्यू इज इफ यू हैव प्रॉफिट आई टी इंडेक्स एंड मीडिया एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर ऑल ओवर ग्लोबल देन यू कैन बुक प्रॉफिट एंड वेट 1.5 ईयर देन यू कैन बाई आफ्टर 1.5 ईयर 12 अप्रैल 2022 1.5 ईयर ऑल ओवर ग्लोबल मेन नैसडेक एंड ऑल ओवर ग्लोबल आईटी इंडेक्स एंड आईटी कंपनियां मे बी आर माइट बी डाउन ट्रेंड आर मोर डाउन ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ये प्रेडिक्शन रहा जो है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन, कुछ हद तक टेलीकम्युनिकेशन, आईटी इंडेक्स जो है एंड समथिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो दोस्तों ये सब सेक्टर में जो है आने वाले समय में जो है एक डाउन ट्रेंड जो है वो मिल सकता है, तो इसलिए आप जो है इसमें जो है आप जो है यदि आपको कहीं भी जो है प्रॉफिट मिलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव प्रॉफिट देन यू कैन एग्जिट। ओके दोस्तों, दिस इज द प्योर एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, नॉट एनी टेक्निकल टूल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मेरा जो है फाइनेंशियल ज्योतिष से जुड़ा हुआ राहु और केतु का जो है ट्रांजिट जो है मिथुन राशि से जो वृषभ राशि में आया है, तो इसका दोस्तों ये प्रिडिक्शन रहा दोस्तों। यदि जो है दोस्तों आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कीजिए। लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क जो है कर सकते हैं। जो है दोस्तों पहले आप मुझे जो है व्हाट्सअप कीजिए जो है, उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। प्लीज़ कॉल करने से जो है अभी पहले अवॉइड आप कीजिएगा। तो दोस्तों ये राहु केतु का ट्रांजिट से जुड़ा हुआ एक मेजर प्लानिटरी पोजिशन चेंज हुआ है कल, तो उससे जुड़ा हुआ प्रडिक्शन रहा दोस्तों, जो कि ये ऑल ओवर ग्लोबल में जो है ये जो है काम करेगा। तो आपको दोस्तों यदि ये अच्छा लगे तो ये जो है फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि मेरा चैनल जो है आपके नफे और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं दोस्तों ये प्योर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिसर्च करके आप सबके सामने लाता हूँ दोस्तों। यदि आपको प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दोस्तों कोई भी टेक्निकल टूल का मैं यूज नहीं करता हूँ, ये प्योर फाइनेंशियल ज्योतिष है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या आपको एग्जिट करना है या एंट्री करना है तो आप अपने फाइनेंशियल जो है एडवाइजर से सलाह लेकर ही आप कीजिए, क्योंकि आपके नफे और नुकसान से मेरा और मेरे चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है। जय श्री राम।